अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा BMW स्कैनर के बारे में जो डीलरशिप में यूज़ होता है। तो आप वीडियो पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कुछ दूसरा बारे में वीडियो चाहिए, अगर आपको दूसरा कोई स्कैनर के बारे में वीडियो चाहिए, जैसे रोल्स रॉय, मिनी कूपर, रेंज रोवर, जैक्वार, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो डीलरशिप में यूज़ होता है, और अलग अलग ब्रांड जैसे ऑडी है, फॉक्स है, तो आप कमेंट करें, मैं आपको दूसरा वीडियो ज़रूर बना के बताऊंगा स्कैनर के बारे में। तो आप देखें, बने रहें। हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला BMW सॉफ्टवेयर के बारे में, स्कैनर के बारे में, तो जो डीलरशिप में यूज़ होता है BMW। तो सबसे पहले मैं आपको आइकॉन दिखा देता हूँ, ये देखें, ये जगह पे, ये BMW इट्सा, और एक सॉफ्टवेयर और भी है, ये इट्सा पी, ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है और ये डायग्नोस के लिए यूज़ होता है। और इसका एक कनेक्टिंग ऐप टूल है, तो ये है रडार, आई टूल रडार, ये कनेक्ट करता है DLC को। तो ये अगर चालू कर चेक करना है, अगर आपको स्कैन करना है तो ये ज़रूर चालू करना पड़ेगा आपको फॉर कनेक्टिंग के लिए। और दूसरा, अगर डायग्नोस कर रहे हैं आप तो ये चालू करना है, अगर आप प्रोग्रामिंग करना है तो आप ये इट्सा पी। तो अभी हमें, मैं आपको बताऊँगा कैसा डायग्नोस करना है, कैसा स्कैन करना है, तो ये चालू करके आपको बताऊँगा। तो चालू कर लेते हैं, तो सबसे पहले रडार चालू कर लेते हैं, आई टूल रडार डबल क्लिक करेंगे, ये फ्री, अगर फ्री बताएगा मतलब कनेक्ट है, अगर ये रेड हो जाएगा तो ये कनेक्ट नहीं बताएगा जल्दी। तो और दूसरा, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से, अभी ये टूल चालू कर लेते हैं BMW, ये सॉफ्टवेयर स्कैनर है, चालू कर लेते हैं डबल क्लिक करके। अभी ये इसका मेन पेज है, अभी ये इसका, ये सॉफ्टवेयर से आप मिनी कूपर चेक कर सकते हैं, रोल्स रॉय चेक कर सकते हैं, और BMW चेक कर सकते हैं। तो आप ये तीन ब्रांड की गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, तीन ब्रांड की कार, तो आप स्कैन कर सकते हैं। तो आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोनों भी करें। तो अभी देखें, यहाँ पे ऑपरेशन में जाएंगे फर्स्ट, अभी यहाँ पे देखें, अगर आप विन रीड करके भी रीड कर सकते हैं, अगर आपको विन रीड नहीं करना है तो डायरेक्ट यहाँ से रीड आउट व्हीकल डाटा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखें, आइडेंटिफिकेशन विदाउट व्हीकल टेस्ट कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, तो हमें कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन में करना है, इसमें आपका गाड़ी का पूरा डिटेल आ जाएगा, स्कैनिंग भी होएगा, तो हमें ये क्लिक करना है, क्लिक कर लेते हैं। इसके लिए इग्निशन ऑन होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, इग्निशन ऑन है, ऑफ हो गया, तो इग्निशन ऑन कर लेते हैं। ओके, इसको ओके कर लेते हैं। अभी देखें, यहाँ पे देखें, विन रीड हो गया है, सीरीज भी रीड हो गया है, एक सीरीज है, इंजन पूरा उसका लिस्ट रीड हो गया है, गाड़ी का पूरा डिटेल है। अभी ये स्कैनिंग होएगा, उसके बाद में ये कंट्रोल यूनिट स्कैन होएगा। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पूरा मालूम होएगा कैसा स्कैन करना है, कैसा रीड करना है। अगर आपको पहले से भी मालूम है तो आप कमेंट करें, अगर आपको कुछ डीप जानकारी चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट करें, मैं आपको दूसरी वीडियो में डीप में आपको बना के बताऊंगा। तो ये थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी देखें रीड हो गया, अभी कंट्रोल यूनिट रीड हो रहा है, ये इसका पूरा कंट्रोल यूनिट है। अभी ये जो ग्रीन में है उसमें कुछ फॉल्ट नहीं है, और जो येलो है उसमें फॉल्ट है। अभी देखें, यहाँ पे एक रेड है, रेड मतलब ये कनेक्ट नहीं हुआ है, मीन्स नो कम्युनिकेशन, या तो इसमें कुछ पावर सप्लाई मुश्किल है, या तो फिर ये कंट्रोल में मुश्किल है। तो अभी ये भी चेक करेंगे, तो ये पहला पूरा रीड हो जाएगा, फिर चेक करते हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, अगर आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए डीप में, अगर उसका वायरिंग डायग्राम कैसा चेक करना है, उसका प्रोसीजर कैसा चेक करना है,
तो आप बताएं, अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो मैं आपको दूसरा वीडियो आपको बना के बता सकता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं स्कैनर के बारे में बता रहा हूँ, कैसा यूज करना है, कैसा चेक करना है। आप वीडियो पूरा देखें जरूर, बीच में स्किप करेंगे आप समझ में नहीं आएगा। एक स्टेप अगर आप छोड़ देते हैं तो आप स्कैनर के बारे में आपको समझ नहीं आएगा कैसा स्कैन करना है, क्योंकि उसका एक स्टेप भी बहुत मायने है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं इसमें भी, ये इम्किन ये 5 मिनट ऐसा कुछ लगेगा इसको स्कैन करने के लिए पूरा। तो थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं पॉज करके। हाँ गाइस, अभी देखिए पूरा स्कैन हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 कंट्रोल में कम्युनिकेशन नहीं। तो अभी ये देखने के लिए ये कंट्रोल क्या है, क्योंकि अभी यहाँ पे उसका केवल अल्फाबेट दिया है CA, अभी मालूम नहीं आएगा कौन सा कंट्रोल है। तो ये एरो यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे, ये बताएगा। ये कम्फर्ट एक्सेसरीज है। अभी ये दूसरा यहाँ पे देखेंगे, ये डंपिंग है फ्रंट लेफ्ट साइड का, ये डंपिंग है फ्रंट राइट साइड, ये डंपिंग है रियर लेफ्ट साइड। तो ये इसका डंपिंग, एक्चुअली डंपिंग का प्रॉब्लम है। ये अंदर आएगा, अंदर मैसेज आएगा स्टेबिलिटी नॉट स्टेबिलिटी फेलियर, ऐसा मैसेज आएगा अंदर। तो उसके लिए गाड़ी चेक करना है। तो अभी देखें आपको कैसे बताऊंगा स्कैन करना है और कैसे इरेस करना है, तो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखें ये फॉल्ट लिस्ट है, यहाँ पे इसका कॉर्नर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉल्ट का लिस्ट आ जाएगा पूरा, क्या क्या लिस्ट है उसका। और दूसरा इसके अंदर ये सब अलग अलग फंक्शन है, ये तो अभी व्हीकल इन्फॉर्मेशन में है, व्हीकल मैनेजमेंट में है, और ये टेस्ट प्लान है। तो मैंने अभी देखो एक मिनट यहाँ पे वापस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉल्ट मेमोरी चेक करेंगे। अभी देखो ये इसका फॉल्ट है, देखें ड्राइवर साइट वॉल ड्राइव और वाटर वॉल है ड्राइवर साइट। अभी नो कम्युनिकेशन डंपिंग, ये देखिए फ्रंट लेफ्ट का नॉट कम्युनिकेशन है, और अलग अलग है इसमें और भी बहुत सारा फॉल्ट है। अभी गाइस इसको अगर डिलीट कैसा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट, कि आप अगर फॉल्ट स्कैन करना, डिलीट करना अगर आपको मालूम हो गया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप कोई भी डीलरशिप में और किधर भी आप काम कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको नॉर्मल जानकारी रहेगी। तो मैं आपको डिलीट करने के लिए बताता हूँ। यहाँ से देखें ये डिलीट फॉल्ट मेमोरी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट इसका फॉल्ट डिलीट करेंगे यहाँ से, यस। उसके बाद में मैं आपको प्रोसीजर के बारे में बताऊँगा कैसे उसको फॉल्ट फाइंडिंग करना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होएगा लेकिन आप देखें पूरा। तो अभी यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं फॉल्ट पहला। अभी बोलेगा स्विच ऑफ इग्निशन, रिमूव इग्निशन की, ओके इग्निशन। अभी यहाँ पे इग्निशन ऑफ कर लेते हैं और चाबी निकाल लेते हैं। अभी वहाँ पे देखना, देखें यहाँ पे रीडिंग करते हैं। अभी क्या बोलेगा, इंसर्ट इग्निशन की विथ रिमोट। अभी वापस इग्निशन रखने के लिए बोल रहा है, तो चाबी रख लेते हैं अंदर इग्निशन में, इग्निशन ऑन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे फॉल्ट क्लियर हो रहा है, अभी फॉल्ट क्लियर हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा 2 मिनट 3 मिनट, अगर बहुत सारा फॉल्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा 5 मिनट ऐसा, बाकी ये डिलीट हो जाएगा जल्दी। तो वेट कर लेते थोड़ा। अब यहाँ पे देखें मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको फॉल्ट मेमोरी वापस चेक करना है इधर से। अभी मुझे चेक करना है डंपिंग चेक करना है, ये तीनों है चेक करना है, तो वन बाय वन चेक करूँगा। तो अभी मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे चेक करना है ये स्कैनर के साथ में। तो उसको पहले फर्स्ट क्लिक कर लेना कहीं पे भी, देखिए जैसे अभी ये चेक करना है लेफ्ट साइड, यहाँ से कैलकुलेट टेस्ट प्लान, ये जगह से अभी ये टेस्ट प्लान में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से वापस मुझे कौन सा डंपिंग चेक करना है, तो फ्रंट लेफ्ट चेक करना है, तो फ्रंट लेफ्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, डिस्प्ले यहाँ से उसको क्लिक कर लेता हूँ। अभी देखें यहाँ पे उसका डायग्राम आ गया,
और इधर प्रोसीजर आ जाएगा, ये जगह पे, ये जगह डायग्राम आएगा इसका। तो मैं अभी आपको प्रोसीजर उसको बताऊंगा, पूरा चेक करके नहीं बताऊंगा, खाली प्रोसीजर आपको बताऊंगा कैसा कैसा चेक करना है। तो अभी यहाँ पे देखें, ये वायरिंग आ गया है। अभी अगर आपको चेक करना है ये किधर आएगा कनेक्टर कैसा आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करें कहीं पे भी, ऐसा एक क्लिक कर दें, बाद में ये फुल स्क्रीन में क्लिक करें। तो ये इसका फुल स्क्रीन हो गया, इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखें ये है डंपिंग फ्रंट लिप। अभी इसका लोकेशन चेक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका कनेक्टर चेक करना है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी देखें यहाँ पे चेक करें, क्लिक करेंगे तो इसका लोकेशन आपको बता देगा किधर है। ये देखें गौर से देखेंगे आप तो ये गाड़ी है, ये गाड़ी का टायर के इधर है, ये जगह पे उसके अंदर ये जगह पे ऐसा लोकेशन आएगा, इसका लोकेशन है। तो वो उसका कनेक्टर है छोटा छोटा ऐसा। तो यहाँ से जूम जूम आउट कर लेते हैं फुल स्क्रीन करके, वापस से ये क्लोज कर देते हैं फुल स्क्रीन। अभी देखिए ये प्रोसीजर आ गया वापस, अभी यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं आगे प्रोसीजर चेक करने के लिए। अभी ये क्या बोल रहा है, फॉल्ट अफेक्टेड डिविडियम कंट्रोल यूनिट मस्ट बी परफॉर्म फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट शेड्यूल। ये टेस्ट शेड्यूल के थ्रू आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं वापस से, यहाँ से अभी यहाँ पे वापस देखें इसका प्रोसीजर है क्या बोल रहा है। द कम्युनिकेशन विथ अफेक्टेड डंपिंग, और बोल रहा है चेक द फ्यूज ऑफ अफेक्टेड डंपिंग अकॉर्डिंग टू वायरिंग डायग्राम। अगर अगर बोल रहे हैं वापस से क्या वॉज फॉल्ट डिटेक्ट, आपको कुछ फॉल्ट मिला और वायरिंग में फ्यूज में, अगर मिला तो यस बोले, नहीं मिला तो नो बोले। अगर यस बोलेंगे तो आपको बोलेगा रिपेयर करने के लिए, जो आपको जैसे वायरिंग किधर से टूट गया है, फ्यूज उड़ गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए बोलेगा। अगर तो कुछ नहीं मिला तो आप नो बोले, नो बोल के कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। अभी वापस से प्रोसीजर है, बोलेगा नो फॉल्ट वॉज फाउंड, फ्यूज में कुछ फॉल्ट नहीं मिला, चेक द प्लग कनेक्टर कनेक्शन, चेक प्लग कनेक्शन अकॉर्डिंग टू वायरिंग डायग्राम, चेक द पॉसिबल केसेस। वो बोल रहा है फ्यूज में कुछ फॉल्ट नहीं मिला, लेकिन उसका प्लग चेक करें आप, उसका वायरिंग चेक करें अकॉर्डिंग टू वायरिंग डायग्राम। अब यहाँ पे उसका कुछ पॉसिबल केसेस दिया है, जो बोल रहा है करेक्ट लॉकिंग ऑन प्लग, कुछ लॉक बराबर नहीं हुआ रहेगा उसमें, बोलेगा डंपिंग, और दूसरा क्या बोलेगा बैंड है, कुछ उसका पिन बैंड है कपलर का, और कुछ क्रोजन बोल रहे हैं, कोई अगर कुछ जैसे रस्ट हो गया क्रोजन हो गया, तो ये चेक करने का। अगर ये चेक आपको अगर मिला तो वो बोले यस, यस बोलेंगे तो आपको फिर से बोलेगा रिपेयर करने के लिए, अगर कुछ नहीं मिला तो बोले नो, नो बोल के वापिस कंटिन्यू। अभी कंटिन्यू बोलोगे तो बोलेगा वापिस नो फॉल्ट वॉज डिटेक्ट इन प्लग, वो बोलेगा मतलब कुछ वायरिंग में भी फॉल्ट नहीं मिला। लेकिन अभी दूसरा प्रोसीजर बोलेगा परफॉर्म लिंक चेक, ये बोलेगा परफॉर्म लिंक चेक ऑन द वायरिंग हार्नेस अकॉर्डिंग टू द वायरिंग डायग्राम। उसका वोल्टेज चेक करने के लिए बोलेगा चेक वोल्टेज सप्लाई, चेक ग्राउंड, और उसमें कैन कैन आएगा, जैसे अभी यहाँ पे बोला है चेक द कनेक्शन टू फ्लेक्स रे, ये फ्लेक्स रे कैन बस है, ये नया कैन बस है, इसका स्पीड बहुत है। और दूसरा बोलेगा चेक द वेकअप लाइन, तो उसका वेकअप लाइन भी चेक करने का, ये वायरिंग डायग्राम को थ्रू चेक करने का। अगर बोलेगा अगर ओके है तो आप बोले, यहाँ पे बोलेगा वापस से चेक वॉज डिटेक्ट फॉल्ट, अगर आप कुछ फॉल्ट मिला तो यस बोले, अगर कुछ फॉल्ट नहीं मिला तो नो बोले। अगर आप यस बोलेंगे तो फॉल्ट टेस्ट प्लान एंड हो जाएगा, तो अगर कुछ नहीं मिला तो नो बोले, यहाँ से क्लिक करें नो, वापस से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी देखें क्या बोला, नो फॉल्ट वॉज डिटेक्ट ड्यूरिंग द लाइन चेक रिप्लेस अफेक्टेड डंपिंग। अभी वो बोलेगा कुछ फॉल्ट नहीं मिला, अभी डायरेक्ट उसका चेंज करने के लिए बोलेगा कंट्रोल का साथ, तो ये कंट्रोल चेंज करने के लिए बोलेगा उसका पूरा साथ में। तो ये टेस्ट प्लान ऐसा है, ये एंड हो गया अभी, तो यहाँ से हम वापस यस कर ये कंटिन्यू करेंगे।
के एंड हो गया, ये ऐसा टेस्ट प्लान हो गया उसका। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू बोलेगा वायरिंग डायग्राम चेक करने के लिए, फ्यूज है, हार्नेस है, कनेक्टर है, जो जो चीज उसमें फॉल्ट हो सकता है वो चीज़ आपको बोलेगा चेक करने के लिए। तो ये अकॉर्डिंग टू वायरिंग डायग्राम उसका वायरिंग चेक करने का, फ्यूज चेक करने का और प्रोसीजर का थ्रू उसका टेस्ट प्लान प्रोसीजर करने का उसका पूरा। तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा, बहुत ईजी तरीके से मिल जाता है फॉल्ट। तो ये वीडियो बहुत ही लंबे हो जाएगा अगर मैं वन बाय वन चेक करूँगा, इसके लिए मैंने आपको खाली प्रोसीजर बताया कैसा चेक करना है कैसे नहीं चेक करना। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब कराएं दूसरे से। और अगर आपको इसके बारे में डीप जानकारी चाहिए, जैसे उसका लाइव डाटा कैसे चेक करना है, मेजर वैल्यू कैसे चेक करना है, वायरिंग डायग्राम कैसा निकालना है, अगर आप स्कैनिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे आपका खाली स्कैनर बाहर है, कनेक्ट नहीं किया गाड़ियों में, तो आपको डायग्राम कैसा निकालना है और उसको प्रोग्रामिंग कैसा करना है, तो आप अलग अलग बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो अगर आपको कोई डीप जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, सेपरेट आप पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। इसमें बहुत सारा चीज़ है, प्रोसीजर है, अगर आपके पास कुछ फॉल्ट है तो उसका प्रोसीजर भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होएगा, इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बना के दिखाया है। तो ओके गाइस, अच्छा लगे तो आप चेक करें जैसा भी है। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।